या यूँ कहिए कि हमारी जिनसी जिंदगी में ठहराव, सबात और तबाम आ सकता है आज के एपिसोड में भी हम कुछ इसी तरह की बातें आपके गोश गुजार करना चाहते हैं ताकि आप अपनी जिनसी जिंदगी इस दिवाजी जिंदगी समाजी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार कर एक मिसाली जिंदगी गुजार सकें इस्लाम ने इस बात को बड़ी अहमियत दी है कि मियाँ बीवी के दरमियान यसानियत हो सोच में प्यार मोहब्बत हो आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, बुराइयों पर नजर ना हो लेकिन नेकियों पे नज़र ज़रूर हो शौहर की रजामंदी पहले फिर उसके बाद किसी और की रजामंदी पेश नज़र हो इन बातों का अगर कोई औरत ख्याल रखती है या कोई मर्द ख्याल रखता है अपनी बीवी को अपनी शरीक हयात को खुश रखने की कोशिश करता है इसी तरह औरतें भी अगर अपने शौहर की रजामंदी का ख्याल रखें उसकी जिनसी ज़रूरत को अहमियत दें अपने और कामों के मुकाबले में शोहर की रजामंदी को अवलियत दें तो इजवाजी ज़िंदगी समाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीक़े से गुजरेगी और काबिल रश्क गुजरेगी तो यही हाल मर्दों का है। अगर मर्द अपने शरीर हयात को अहमियत देता है उसकी इज्जत करता है गाली गलोज करके उसको बेज़त नहीं करता बल्कि उसकी रजामंदी हासिल करने उसके प्यार और मोहब्बत को ज़्यादा अहमियत देता है तो कोई वजह नहीं है कि ये जिंदगी किसी भी तरह के हादसे का शिकार हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अजीब अजीब कस्म के मुकदमे आया करते थे एक बार मुकदमा है औरत ने आकर दायर किया अल्लाह के रसूल मेरे शोहर मुझे मारते हैं मैं नमाज पढ़ती हूँ तो रोज़ा रखती हूँ तो मुझे मारते हैं मुकदमा बड़ा अजीब था साहब रसूल होते हुए इतना बड़ा जुर्म कर रहे औरत को नमाज पढ़ने पर मारते हैं अपनी बीवी को रोज़ा रखने पर मारते हैं रसूल अक्रम सम ने उनके शोहर को बुलवाया और कहा कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे खिलाफ़ ये फ़र्द जुर्म आयद की है इसका जवाब दो जहर मुकदमा बड़ा अजीब था तमाम सबक्रम के सामने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएं और लगाने वाले भी बीवी हो तो मसला तो बहुत संगीन हो जाता है खाली एक इल्ज़ाम के नमाज पढ़ने पर मारते हैं यही इतना बड़ा था कि इसका जवाब कैसे देगा कोई फिर उसके साथ ये भी इल्ज़ाम के रोज़ा रखने पर मारते हैं ये तो और डबल इल्ज़ाम हो गया नबी अक्रम सला वल्लम ने बात बातफुरु की बतलाओ ये तुम्हारी बीवी है तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कहाँ तक सच्चाई है इसमें और ऐसा क्यों करते हो फर्मा अल्लाह के रसूल बात असल ये है मैं एक जवान आदमी हूँ जब भी घर आता हूँ मुझे ज़रूरत होती है देखता हूँ मुसल्ला भी छाए बैठी हुई हैं जब भी आता हूँ बाहर से और इनसे किसी काम के लिए कहता हूँ कहती हैं रोज़े से हूँ क्या करूं कहने का मतलब उनका क्या था कि मेरी जिनसी जिंदगी तबाह हो रही है अल्लाह के रसूल ये मेरी बीवी जरूर है लेकिन ये अपने नमाज और रोजे में हर वक्त और वो भी नमाज और रोजा नफली फर्ज नमाज पर नहीं मारता मैं इसको फर्ज रोज़े पर मैंने कभी इसको शख्स नहीं कहा है नफली रोजे नफली नमाज मैं जवान आदमी हूं मुझे ज़रूरत है नाजरीन आप ख़ुद समझ सकते हैं कि उन्होंने अल्फाज में जो चीज़ नहीं कही थी लेकिन स्याक सवाक से वो समझ में आ रही है नौजवान आदमी है और उसकी जिनसी ज़रूरत जो एक फितरी ज़रूरत है अगर पूरी नहीं होती है और वो मारता है अपनी बीवी को और उसकी शिकायत होती है अदालत में तो अदालत को क्या फैसला करना चाहिए रसूल अक्रम सदालतें देखते हैं फैसला क्या होता है देखिए उन्होंने अपने मुकदमे को नहायत बेहतर अंदाज से अलैहि वसल्लम के सामने रखा और इल्ज़ाम का जवाब दिया अब फैसला क्या होता है वसल्लम के दरबार से फरमाया उनकी बीवी को बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के नफली रोज़े नहीं रखोगी रोज़ा रखना है तुम्हें तो इनसे इजाज़त ले लो कल मैं रोज़ा रख लूँ कल मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ अगर ये कह दें हाँ तो ठीक है अगर इन्होंने हाँ कह दिया तो इनको मारने का कोई जवाब नहीं बनता फिर अगर मारेंगे तो ये मुजरिम करार पाएंगे लेकिन बगैर इनकी इजाज़त लिए हुए तुम रोज़ा रखोगी और ये मारेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है रोज़ा कैसे तोड़वाएं तुम्हारा तो इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं बनता ये मुजरम नहीं करदाने जाएंगे ऐसे ही नमाज का मामला है नमाज पढ़ो नफली नमाजें पढ़ो बहुत सवाब है उसका लेकिन इस बात का ख्याल करके कि शोहर क्या का वक्त है गर्म पानी की ज़रूरत है उसको खाने की ज़रूरत है उसको चाय की ज़रूरत है उसको तो पहले से बना के रखो इतने बजकर इतने मिनट पर मेरे शोहर आते हैं या पाँच मिनट पहले पाँच मिनट बाद दस मिनट पहले दस मिनट बाद आते हैं तो मैं पहले से तैयार होकर बैठूँ तैयार होकर रहूँ उनके इस्तबाल के लिए वह आए उनको खुश आमदेद और उनकी ज़रूरत की चीज़ उनके सामने पेश करूँ ये पानी लीजिए हाथ मुँह धो लीजिए फ़्रेश हो जाइए चाय पीजिए खाना आचरे खाना खा लीजिए कोई और ज़रूरत है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ अगर कोई औरत इस तरह से पेश आती है तो आप समझते हैं कि उसके घर में कोई खटपट होगी लड़ाई होगी यकीन नहीं होगी लेकिन अगर औरत ऐसी हो कि हर वक्त मुसल्ह बिछाए घर में बैठी हुई है जवान शोहर है उसका उसको ज़रूरत है अपनी जिनसी ज़िंदगी की तकमील के लिए तो वो उसमें आड़े आ रही है कहीं नमाज को लिए बैठी हुई है कहीं रोज़े को लिए बैठी हुई है तो तो जाहिर है कि वो अगर डांट डपट करता है मार पीट करता है तो उसकी मार पीट को शरीयत जुर्म नहीं मानती है इसलिए इजाज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने की ज़रूरत महसूस की और फरमाया बगैर इजाज़त लिए नफली रोज़ा ना रखो ऐसे ही इनके काम को टाल कर नफली नमाज मत पढ़ो जब देखो कि इनका काम हो गया है ये चले गए अपनी नफली नमाज पढ़ो कौन तुम्हें मना कर रहा है रसूलकरम सल्ला वसलम के ये फरमान है देखिए हमें इससे बड़ी नसीहत मिलती है और इन तमाम को अगर देखें तो हमारी जिनसी ज़िंदगी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है एक और साहबी को लेते हैं हज़रत अबरदार रजी अल्लाह तुम बड़े जलील जरीलकद्र साहबी हैं रसोल अक्रम सला वसलम के ज़माने में हजरत अबूक सिद्दीक के ज़माने में उमर फ़ारूक के ज़माने में बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उनको सौंपी गई और उन्होंने बहुत खैर ख़ूबी के साथ उन जिम्मेदारियों को निभाया बड़े आबेद बड़े जाहिद तारिकनिया दुनिया दुनिया से कोई मतलब नहीं उन्हीं के बारे में मशहूर है कि एक बार शाम के इलाके के गवर्नर थे हुक्म दिया हजरत अपने इलाके के गरीबों मस्किनों की एक फहरिश तैयार करो सारे फहरिश जिसका नाम लिखा हुआ था तो हजरत अब दरदा थे सुबहानल्ला कैसे लोग थे रसूल अक्रम संदाज से इन लोगों की तरबियत की थी अमीर और गवर्नर होते हुए इलाके के सबसे गरीब आदमी की फहरिस्त जब बनती है तो उसमें सरे फहरिस्त नाम हजरत अबा का लिखा हुआ है नाजरन हजरत अब्दरदा ताला तुम की ज़िंदगी के तलु से बाकी चीज़ें हम ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे असलकूल वह वकैर मकदम है नाजरीन आपका इस्लाम में नौजवानों के जिनसी मसाइल के इस प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हम हजरत बदरदार रजाल्ला तह की ज़िंदगी के ताल्लक़ से कुछ बातें आपके सामने रख रहे थे हजरत बदर रजियाल्ला गवर्नर थे हुकूमत के अपने इलाके के सबसे बड़े जिम्मेदार अफसर थे दिन भर हुकूमत के काम में लगे रहते रात को जो वक्त मिलता तो अल्लाह रबुलज़त के सामने नीयत बाँध के खड़े हो जाते अल्लाह करते बीवी नहायत परहेज़गार नेक दीनदार शोहर की इतात हतात फर्मबरदारी में एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से ना निकालती एक बार हज़रत बदरदा रज़ियाल्ल अन्हु के दोस्त हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुँचे देखा उनकी बीवी को तो नहायत ऐसे ही सादा से कपड़ों में सादा लिबास में बग़ैर सिंगार के ऐसे ही पूछा भाभी ख़ैर तो है कहा कि हाँ खैरियत है भाई का क्या हाल है बहुत अच्छे हैं बड़े दीनदार हैं बड़े नेक हैं रात भर नमाज़ पढ़ते हैं दिन भर काम करते हैं समझ गए मामला क्या है शाम हुई रात को खाना खाया फिर लेटने के लिए उनका अलग बिस्तर लगाना चाहते थे हजरत अबुदरदा कहा कि ना, ना मैं तुम्हारे ही पास लेट पास लेट गए थोड़ी सी रात गुजरी थी कि ये उठने लगे हजरत अब्दरदा हजरत सलमान ने कहाँ चले क़रा नमाज़ पढ़ें लेटो अभी बहुत रात बाकी है ने टाल दिया फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से उठने लगे क्या कहाँ चले क्या नमाज पढ़ लें ठहरो अभी बहुत रात बाकी है फिर ले टाल दिया इस तरह से रात में कई बार किया जब रात का तीसरा पहर हुआ तहजुद का वक्त उस वक्त उठने लगे कहा कि हाँ ये वक्त है अब उठो अब नमाज पढ़ो खुद भी नमाज पढ़ी उनको भी नमाज़ पढ़ाई सुबह हुई और फरमाया यही सुन्नत है अल्लाह के रसूल की और सुनो तुम्हारे ऊपर जैसे और हुकूक हैं बहुत सारे लोगों के ऐसे ही तुम्हारी बीवी का हक़ है ये तुमने क्या हालत बना रखी है रात भर पर नमाज़ पढ़ते हो दिन भर रोज़ा रखते हो और हुकूमत के काम में लगा रहते हो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं तुम्हारे ऊपर बहुत फटकारा भाई थे दोस्त थे बहुत फटकारा और कहा कि खबरदार अपने इस रवैये को बदलो दरक़ीक़त तो अगर हम देखें तो इसमें जिनसी ज़िंदगी की तरफ से बेरगबती का एक पहलू पाया जा रहा था हज़रत बदरदर तारा हुकूत की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने और अल्लाह रब्जत की इबादत में इस कदर मगन थे कि उनको अपनी बीवी की ज़रूरत का कोई ख्याल नहीं रहा था हज़रत सलमान फ़ारसी ने इसी बात पर उनकी तमबीही फरमाई इसका मतलब यह है कि इस्लाम जिनसी जिंदगी पर बड़ी अहमियत की नज़र डालता है अल्लाह रब्लजत की इबादत के मुकाबले में भी जिनसी जिंदगी को बढ़ा कर देखता है नफली इबादत अपने वक्त पर की जाएगी जो बीवी का हक हाँ है उसका हक हाँ लेकर उसका वक्त लेकर आप नफली इबादत कर रहे हैं ये इबादत ना करें आप उसका हक हाँ है उसको दें उसका वक्त है उसको दें ये है प्यारा निज़ाम वो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबक्रम को बतला हजरत सबितबिन हजरत इब्ने कैश मालदार आदमी है शक्ल सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दी लेकिन हुस्न अमल हसन किरदार इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाफर मकदार में उनको अता फरमाया उनकी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुई और हाज़िर होने के बाद कहा अल्लाह के रसूल इन्नी अकरहुल कुफ़ रसिल्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा समझा नहीं मैं तुम्हारी बात क्या कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहती हूँ फिर उन्होंने कहा कि मेरे शौहर हजरत साबित बिन कैस मैं उनके दीन में उनके खुलक में उनके अखलाक में उनकी कात में परहेजगारी में किसी भी चीज़ में कोई ऐब नहीं निकालती लेकिन मैं उनके साथ रहने पर खुश नहीं हूँ नबी अ करम सल्ला वसलम ने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताओ साबित ने जो तुमको बाग दिया था वो बाग लौटा दोगी उनको कहने लगी हाँ लग रसूल लौटा दूंगी हज़रत रसूल अक्रम सला वसलम ने हजरत से कहा साबित अपना बाग वापस कर लो और इसको तलाक़ दे दो हजरत साबित ने बाग अपना वापस कर लिया और उसको तलाक़ दे दी देखिए एक वाक़ है सही तरीन वाक़ है ये नबी करम सल्हु वसम की अदालत का फैसला है इस पूरे वाक़े को आप हो सकता है बहुत सी बार आपने सुना हो लेकिन हम जिस मौजू के तहत इस वाक़े को जिक्र कर रहे हैं उस मौजू के तहत इस वाक़े को ज़रा सोच कर देखिए एक ख़ातून रसूल अक्रम की खिदमत में आती है अपने शोहर की बेानतहा तारीफ़ करती है साहेब खुल्क़ हैं अखलाक़ वाले हैं इज़्ज़त करते हैं मुझे खुश रखते हैं खाने की पीने की रहने की सहने की पहनने की ओढ़ने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे हासिल नहीं है सारी चीज़ें मौजूद हैं इन एक राहुल्कुफ़ रफुल इस्लाम लेकिन इसके बावजूद मैं कुफ्र को इस्लाम में नापसंद करती हूँ मैं ये नहीं चाहती कि इतनी नेमतों के बावजूद मैं कुफरान नेमत की शिकार मानी जाऊं मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि ये ना शुक्री है वजह क्या थी वजह ये थी कि हजरत साबित शक्ल सूरत के बहुत ज़्यादा जमील नहीं थे आज के इतवार से कहा जा सकता है कि भद्दी शक्ल के थे और ये जो खातून आकर ये सब शिकायत कर रही थी नहायत गोरी चिट्टी हसीन जमील खातून देखिए दोनों का मिजाज नहीं मिल रहा था शोहर काले कलूटे लूटे पश्ताकत और बीवी नेहायतर जमाल की मलिका खूबसूरत सब कुछ होने के बावजूद भी बीवी का मिजाज उनके साथ इसलिए नहीं मिल रहा था कि वो उनके जोड़ के नहीं थे यही चीज़ है इस्लाम ने इस बात पर बड़ी अहमियती है आज के ज़माने में बहुत सारे लोग सादगी में इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते नहाय गोरे छिट्टे लड़कों की शादी काली कलूटी लड़की से कर देते हैं काले कलूटी लड़की की शादी गोरे छिट्टे लड़कों से कर देते हैं जाहिल लड़कों की शादी कर देते हैं पढ़ी लिखी खातून से और पढ़ी लिखी खातून की शादी कर देते हैं जाहिल लड़कों से ज़िंदगी में नाहमवरी रहती है इससे घर बनते नहीं मिजाज मुख्तलफ होते हैं पढ़े लिखे का मिजाज अलग है एक जाहिल का मिजाज बिल्कुल अलग है दोनों में एकसानियत होती नहीं रसूल क्रम सल वलम ने इज्तवाजी ज़िंदगी ख़ानदानी ज़िंदगी जिनसी जिंदगी की तस्किन के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं ताउन दे सकती हैं उन चीज़ों को अहमियत देने का हुक्म दिया है अदर देखिए तो कुरान शरीफ़ में रसुलकरम स अपनी अदीस में जो सिफात जिक्र फरमाई है जन्नती लोगों की और जो सफ़ा ज़िक्र फरमाई है हूरों की उन सिफ़ात में चंद चीज़ें बड़ी अहमियत की हासिल हैं इन्नाशाना उन्नाशा फजालना उन्ना अबकाराबा न त्रराबा ये देखिए हमने उनको एक ख़ास उठान पर बनाया है और कैसा बाकरा कुआरी किसी इंसान ने किसी जिन ने उनको हाथ तक नहीं लगाया छुआ तक नहीं है अनछुई हैं किसी ने उनको छुआ नहीं ऐसी क्वारी हैं वो कौन हूरें जन्नत की और वन तरबा ज़िक्र किया कि वो अपने शोहरों की हम उम्र हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए उम्र में जोड़े की अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा तो उससे भी फ़र्क़ पड़ेगा अगरचे बहुत सारी शादियाँ ऐसी भी कामयाब हो जाती हैं लेकिन ताकि किसी तरह की बेल्तफाती ना हो शिकायत का मौका ना मिले बेहतर यह है कि हम उम्र जोड़े तलाश किए जाएँ फिर ज़ाहरी हुस्न, खूबसूरती और हर तरह की जमाली सिफ़ात से मुरस्सा वो ख़्वात हैं ये तस्करे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों फरमाए हैं जन्नत में जन्नतियों को जो हूरे मिलेंगी वो ऐसी होंगी ऐसी होंगी ऐसी होंगी किस लिए फरमाए इसलिए फरमाए हैं कि इस तरह ये बतलाना चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी भी जो आप गुजारें तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें अगर वो हम उम्र हैं अगर वो हुसन जमाल वाली हैं अगर वो ज़ाहरी जमाल और ख़ूबसूरती के तमाम सफ़ात से मरसा हैं और वो कुरी हैं तो इसका मतलब ये है कि जिनसी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं कितनी कितनी ज़िंदियाँ हैं जो दो आदमियों के दरमियान एक नहाय काला आदमी और एक नहायत गोरी चिट्टी औरत दोनों की शादी कर दी गई मिजाज मिलता नहीं तबीयत मिलती नहीं अगर मिलते भी हैं आपस में वो तो बेदली के साथ ऐसी ज़िंदगी कब तक कामयाब हो सकती है नहीं होगी तो इस बात का ख्याल रखें जिनसी जिंदगी की कामयाबी के लिए ये जाहरी चीज़ें भी बड़ी अहमियत रखती हैं इन ज़ाहरी चीज़ों को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वरना ये जिंदगी की गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है कहीं भी एक पहिया धुरी से निकल के नीचे चला जाता है और गाड़ी खड़ी हो जाती है ऐसे में ताकि ये गाड़ी ज़िंदगी की आखिर तक सलामती के साथ चलती रहे इन चीज़ों का ख्याल रखें और जोड़ की शादियाँ करें जोड़ की शादियाँ करें जोड़ की शादी करने में कम से कम हमें ये उम्मीद रहती है कि ये शादी कामयाब रहेगी ये रिश्ता दूर तक चलेगा और किसी को दूसरे से शिकायत नहीं होगी ये जिनसी जिंदगी की कामयाबी के लिए क्योंकि ये जो रिश्ता होता है जिसको हम निकाह कहते हैं जिसको हम शादी कहते हैं इसमें बड़ा मकसद जिनसी जिंदगी को परवान चढ़ाना और इस फितरी ज़रूरत को पूरा करना और उसके लिए मौाक़े पैदा करना होता है कहीं ऐसा ना हो अगर इसके लिए कोई मुनासिब मौका हमने नहीं फराहम किया तो ये लड़का आउट हो जाए ये लड़की आउट हो जाए समाज में मुआशरे में बुराई फैलाने का सबब बन जाए कोठे पर जाए ख़ानदान की इज़्ज़त को ले डूबें ऐसा ना हो इसलिए हमने किया है इसलिए इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ जिनसी जिंदगी से है नौजवानों की जिनसी ज़िंदगी इस्लाम में क्या हैसियत रखती है इस पर अब तक हमने जो कुछ भी कहा है इसके ऊपर बड़े दलाइल हैं मौजू बहुत वसी है इन फिर अगर अल्लाह हरबुल्ज़त ने तोफ़ी दी तो आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ अलकुम वरहि वबरकू वर